आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फरारी मेथड। इसमें हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, सॉल्व बाय यूजिंग फरारी मेथड। इसमें हमारे पास ये एक्स टू द पावर 4 में एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 3 का टर्म LHS में रहेगा और बाकी सारे टर्म्स हम लोग RHS में भेज देंगे। अब इस LHS को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको इसको बनाना है। तो ए का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का पावर 4 है, अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर हमारा ए हो गया, माइनस 2ab, टू ए है हमारा एक्स स्क्वायर, 2ab, यानी यहाँ पर हम b में क्या ले आएँ जिससे हमारा 12x³ आ जाए। माइनस तो है हमारे पास पहले से, 12 है यहाँ पर और 2 है यानी 6 चाहिए, तो 12 आ गया। और यहाँ x³ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी एक x चाहिए। तो ये है b, यानी हमारे ये दोनों टर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 माइनस 12x³ जो कि माइनस 2ab है, वो है माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6x। अब बचता है b का स्क्वायर, तो b है हमारा 6x, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर ऐड करना है, यानी 6x का स्क्वायर 36x². अब ये हम LHS में ऐड कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमें RHS में भी ऐड करनी होगी, यानी माइनस 41x² प्लस 18x प्लस 72 प्लस 36x². इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस 36 हो गया माइनस 5x² प्लस 18x प्लस 72। अब इस LHS में ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक टर्म लैम्डा ऐड करते हैं, यानी हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x² प्लस 18x प्लस 72। अब जब हम इस ब्रैकेट के अंदर लैम्डा ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी कुछ टर्म्स ऐड होंगे, तो वो होंगे प्लस, ब्रैकेट में लैम्डा ऐड हुआ है तो लैम्डा का स्क्वायर ऐड हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर, और साथ ही साथ प्लस 2 लैम्डा, और ब्रैकेट में आएगा ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ये टर्म आएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 5x² प्लस 18x प्लस 72 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये खुल के बन जाएगा 2 लैम्डा x² माइनस 12 लैम्डा x। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, एक्स वाले टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट बच गया है इसको साथ में लिख देते हैं। तो हमारी नई इक्वेशन कैसी रहेगी, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर 2 लैम्डा, माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा x² प्लस यहाँ 18 है और यहाँ माइनस 12 लैम्डा, 18 माइनस 12 लैम्डा x प्लस, कांस्टेंट का बात करा जाए तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 72। अब LHS तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही पहले से, और अब RHS को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो RHS परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। इसको लिखते हैं और इसको इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। RHS ऑफ इक्वेशन 1 विल बी
perfect square when b is equal to b square is equal to 4ac. यहाँ पर हमारा x square का जो term है ये a है, x का term b है और constant c है. तो b square is equal to 4ac, यानी b 18 minus 12 lambda का square, 18 minus 12 lambda का square is equal to 4, a है हमारा minus 5 plus 2 lambda, c है lambda square plus 72. अब इसको further simplify करते हैं. तो ये तो a minus b का whole square है, इसको simply हम लोग खोल सकते हैं. 18 का square 3 to 4 minus 2ab करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 to lambda plus 12 lambda का square यानी 144 lambda square. इधर simplify करते हैं तो अंदर आ जाएगा minus 20 plus 8 lambda और ये lambda square plus 72. इसको और simplify करेंगे तो आ जाएगा minus 20 lambda square minus 1440 plus 8 lambda cube plus 576 lambda. अब देखा जाए ये lambda cube term आ रहा है, यानी जो हमारी equation है cubic equation है. अब इस इन सारे terms को अगर हम rearrange करके लिखें तो एक हमारी cubic equation बनेगी, वो कैसी होगी? 8 lambda cube minus 164 lambda square plus 1008 lambda minus 1764 is equal to 0. यहाँ पर मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्लस माइनस का काफ़ी मिस्टेक हो सकता है यहाँ कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारी सारी डिपेंडेंसी इस एक इक्वेशन पे ही है. हमारी ये एक इक्वेशन सही है तो सब कुछ हमारा सही है. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो लैम्डा की तीन वैल्यूज़ आएंगी जो कि आती हैं 3, 7, 21/2. तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 3, तो इस 3 वैल्यू को हम यूज़ करते हैं और 3 वैल्यू को हम वापस इक्वेशन 1 में डालते हैं. तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 बिकम्स. अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 से देखते हैं कि इक्वेशन 1 का क्या हाल होता है. तो इक्वेशन 1 पे वापस आते हैं. अब इक्वेशन 1 में हम लोग लैम्डा का वैल्यू डालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x लैम्डा का वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा. तो 2 3 इज़ 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी 1, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर 18 माइनस 12 लैम्डा, लैम्डा 3 है, 12 3 इज़ 36, 18 माइनस 36 यानी माइनस 18 एक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 72, लैम्डा यानी 3 का स्क्वायर 9, 72 और 9 हो गया 81. अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 81 ये एक हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है. किसका है? x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर ये 81 माइनस 2ab. अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इन टर्म्स को हम एज अ कलेक्टिव लें तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर टाइप का है. अगर हम इसके दोनों इस x माइनस 9 का स्क्वायर को LHS में ले आते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन जाएगा इक्वल टू जीरो. तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो करते हैं, चलिए करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस ए प्लस बी यानी प्लस एक्स माइनस 9 और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस बी हो जाएगा यानी माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू जीरो. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस एक्स माइनस 5x और माइनस 6. यहाँ पर एक्स स्क्वायर
माइनस सिक्स और माइनस एक्स यानी माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं जिन्हें सिंपल हम हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करके या कैलकुलेटर से यूज़ करके कैलकुलेटर यूज़ करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसके रूट्स हमारे आएंगे माइनस सिक्स और वन से, यानी हमारा एक्स की जो वैल्यूज आएंगी सिक्स और माइनस वन आएंगी यहाँ से, यहाँ से माइनस फोर और माइनस थ्री, यानी हमारी एक्स की वैल्यूज फोर कॉमा थ्री, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ यानी जो हमारे हमारा जो सॉल्यूशन है इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फरारी मेथड से हमारा सॉल्यूशन बनता है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा सिक्स कॉमा फोर कॉमा थ्री। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर फरारी मेथड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। एग्ज़ाम्स अभी काफ़ी करीब हैं, पेपर आ रहे हैं, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें और मैं और वीडियो डालते रहूँगा, देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।